वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। कुछ वर्ब्स के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं जो यूज किए जाते हैं और ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम देखें तो एग्जाम में प्रेपोजिशन से रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये आपके सिलेक्शन को तय करता है। और अगर बोर्ड एग्जाम्स में देखें तो अक्सर प्रेपोजिशन आता रहता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि किस वर्ब के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। हम देखेंगे कि वर्ब्स के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाएगा। जैसे अकाउंट के बाद फॉर लगता है। अकाउंट फॉर मीन्स होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना, है ना। द प्रिंसिपल इज अकाउंटेड फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द कॉलेज, तो अकाउंट के बाद फॉर लगेगा, है ना। अक्यूज्ड Accuse someone of, किसी को दोष लगाना या किसी चीज का उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना, तो एक्यूज के बाद अक्सर हम लोग ऑफ लगाते हैं। राम इज accused of murder, है ना। आगे देखते हैं, adapt to be very smart. Adapt to means, तो adapt के बाद क्या लगाते हैं, to लगाते हैं। देखिएगा, adopt adopted to है नहीं है, adapt है, adapt to। ये है add someone to something, देखिए add के बाद to लगता है, add someone to something, है ना। Please add sugar to tea, ठीक है, चाय में चीनी मिला दो, प्लीज एड शुगर टू टी, तो समवन टू समथिंग, इस तरह से एड टू, एड के बाद हम टू लगाते हैं। ए फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, वर्ब में आता है, किसी सेंटेंस में वर्ब आती है एड, तो इसके बाद हम टू ही लगाएंगे, ये फिक्स्ड है। अगला देखते हैं, एडजस्ट टू, एडजस्ट के बाद भी हम टू लगाते हैं, देखिए एडजस्ट के बाद टू लगाते हैं। अगला देखिए, एडमिट समथिंग टू समवन, किसी चीज को किसी के लिए एडमिट करना, मतलब एक्सेप्ट करना, एडमिट के बाद टू लगता है, ठीक है। यह भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखिए, एडमिट टू एक्सेप्ट, ठीक। अग्री ऑन द प्राइस, अगर किसी मुद्दे पर, अगर हम प्राइस पे, कॉस्ट पे हम अग्री करते हैं तो अग्री ऑन लगेगा, अग्री ऑन। लेकिन अगर कोई कंडीशन है, कोई व्यक्ति कंडीशन रखता है, तो वहां अग्री के बाद हम टू लगाएंगे, कंडीशन के लिए टू लगाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो अग्री के बाद विथ लगाएंगे। देखिए ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं समझने में कि अग्री के बाद ऑन कब लगेगा, अग्री के बाद टू और विथ कब लगेगा। देखिए हम किसी व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि हम आपसे सहमत हैं तो लिखेंगे आई एम अग्री विथ यू, ये सही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई दाम लगाया है तो बोलेंगे आई एम अग्री ऑन द प्राइस, अग्री के बाद ऑन लगाया, है ना। लेकिन टू कब लगेगा, आई एम अग्री टू हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं अगर आप हेल्प करें, तो आई एम अग्री टू हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, देखिए टू लग गया, तो ये कंडीशन में टू लग गया। अगला देखते हैं, अपोलोजाइज टू समवन फॉर समथिंग, अगर किसी से अपोलोजाइज कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो अपोलोजाइज के बाद टू लगता है, देख लीजिए अपोलोजाइज टू। अगला देखते हैं, अपील टू समवन फॉर समथिंग, अच्छा देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी से आग्रह करें किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के खातिर, तो हम अपील के बाद टू लगाते हैं, है ना। द विलेजर्स अपील टू द मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, अपील के बाद टू लगा, है ना। आगे देखते हैं, अप्रूव के बाद ऑफ लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, अप्रूव के बाद टू, अप्रूव के बाद टू लगता है।
आर्ग्यू के बाद विद समवन अबाउट समथिंग, किसी से अगर आर्ग्यूमेंट करते हैं, किसी से बहस करते हैं, किसी से तर्क करते हैं, तो आर्ग्यू के बाद विद लगता है, विद समवन, है ना। द पियन आर्ग्यूड विथ द प्रिंसिपल फॉर द सैलरी, है ना। तो देखिए आर्ग्यू के बाद विथ लगा। अगर देखिए अरेंज, अरेंज मीन्स होता है व्यवस्था करना, तो अरेंज समथिंग फॉर समवन, ये हो गया अरेंज। द मॉनिटर अरेंज्ड चॉक फॉर द टीचर, है ना। अरेंज फॉर, अरेंज के बाद फॉर लगता है। अगला देखिए अरेस्ट समवन फॉर समथिंग, किसी को किसी बात के लिए अरेस्ट करना। द पुलिस अरेस्टेड मोहन फॉर स्टीलिंग समथिंग, तो अरेस्ट के बाद फॉर, अरेस्ट के बाद फॉर लगता है। दे अराइव एट, किसी प्लेस पे आ पहुंचने, अराइव एट। राम अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन शार्प एट 9, तो राम रेलवे स्टेशन पे शार्प एट 9 पे पहुंच गया। अराइव के बाद एट लगाते हैं। आस्क फॉर, आस्क फॉर मींस डिमांड करना, मांग करना किसी से। हाँ, वी आस्क्ड फॉर अ न्यू रजिस्टर फ्रॉम द प्रिंसिपल, हम लोगों ने प्रिंसिपल से नए रजिस्टर के लिए डिमांड किया, आस्क फॉर किया। आस्क फॉर मींस डिमांड, वी आस्क्ड फॉर न्यू रजिस्टर फ्रॉम द प्रिंसिपल। अगला देखिए बेस ऑन, मैंने आधारित होना, बेस के बाद ऑन लगता है। अभी इस चीज को आप याद रखिए, दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज थियरी, ये फॉर्मूला आर्किमिडीज के थियरी पे बेस्ड है, या कह सकते हैं कि दिस होल वॉटर फ्लो इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थियरम, बर्नौली के थियरम पे आधारित है ये पूरा वॉटर सप्लाई। तो क्या कह सकते हैं हम, बेस के बाद ऑन लगाते हैं, है ना, बेस्ड ऑन। अगला है एबसेंट फ्रॉम, अनुपस्थित होना। राम इज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, आई एम एबसेंट फ्रॉम माई स्कूल, एबसेंट के बाद फ्रॉम लगाते हैं। अगला देखिए अकस्टम्ड टू, आदि होना, अभ्यस्त होना। आई एम अकस्टम्ड टू ईटिंग टू चपाती एवरी डे इन द इवनिंग, मैं दो रोटी रात को खाने का आदि हो गया हूं, सिर्फ दो रोटी खाता हूं, उसी का अभ्यस्त हो गया हूं, है ना, अकस्टम्ड टू। अगला देखिए अक्वेंटेड विथ मीन्स फैमिलियर, अक्वेंटेड मीन्स होता है परिचित होना, चीर परिचित होना, अक्वेंटेड के बाद विथ लगता है। मोहन इज अक्वेंटेड विद द पीपल ऑफ दिस सिटी, इस शहर के लोगों से मोहन जो है वो चीर परिचित है, है ना, उनको जानता है, अक्वेंटेड विथ। अगला है अडिक्टेड टू, ही इज अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग। अडिक्टेड टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, इसको याद रखिए, एकदम से याद रखिए, अडिक्टेड टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अडिक्टेड टू टॉक्सिकेशन से हम, मैंने लिख दिया है, मतलब किसी प्रकार का नशा की बात हो रही है। राम इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। अडिक्टेड टू के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अगला है अफ्रेड ऑफ, ओ ही इज अफ्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वंस ही हैड गॉट अ शॉक, सो ही इज अफ्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वह इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, अफ्रेड है, अफ्रेड के बाद ऑफ लगाते हैं। अगला एंग्री एट, टू बी एनॉयड, किसी वस्तु किसी बात पे एनॉयड होना, एंग्री एट किसी बात पे, और एंग्री विथ भी होता है, किसी व्यक्ति से हो, आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ राम, मैं राम से नाराज हूं, है ना, और आई एम एंग्री एट दिस डिसीजन, तो डिसीजन पे एट लग गया और किसी व्यक्ति से विथ लग गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लग रहा है, और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इसे आप एक या दो बार देखिए, तैयार हो जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।